गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश का लेसन 4, जिसका नाम है सुकरात। यहां से देखते हैं, देन द सोल्जर्स केम एंड टूक हिम अवे टू प्रिजन। तब सैनिक आए और उसे जेल खाने ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन। उसकी पत्नी उसके तीनों बच्चों के साथ उसके फॉलोड मतलब पीछे पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विथ हिम। उसके प्रिय शिष्यों में से बहुत लोग उसके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, दे टॉक टू हिम, वे लोग उससे बात किए, वे लोग सुकरात से बात किए। एंड ही टॉट दे मैनी वाइज लेसंस, और वह बहुत सारी बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षाएं दिया। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिन्हें वे लोग अपने हृदय में संचित कर लिए। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन पूरे समय उसके मित्रों को पता था। दैट सुकरात वुड डाई सून, सुकरात शीघ्र मर जाएगा। दे वेर सैड, वे लोग दुखी मतलब क्योंकि एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ हुम वी वेर बींग बिरिप्ड। वह हम लोगों के पिता के समान था जिससे हम लोगों को बिरिप्ड मतलब वंचित किया जा रहा था। एंड वी वेर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लिप्स एज ऑर्फन्स, यानी कि हम लोगों को अपना शेष जीवन अनाथों के समान गुजारना था। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, वृक्षों की चोटियों के पीछे सूर्य छिपने के बाद द जेलर केम, जेलर अंदर आया। एंड आस्क सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडम टू डाई, एथेंस नगर में जब लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती थी, दे वर गिवेन ए कप ऑफ पॉइजन, तब उन्हें जहर का प्याला पीने को दिया जाता था। सुकरात न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानता था। एंड ही नोडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और उसने अपना सिर हिलाकर जेलर को जहर के प्याले को लाने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिसने उसकी ओर देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा। यानी कि जब वह सहमति में सिर हिलाया तो जेलर उसकी तरफ दुखी पूर्वक देख रहा था और कहा, यू सुकरात, सुकरात तुम, हुम आई नो टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, मैं तुम्हें उन सब व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे सज्जन और सबसे अच्छा समझता हूँ। आगे विल नॉट बी एंग्री, तुम क्रोधित मत होना विथ मी मुझसे। वेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब तुम्हें मैं जहर पीने के लिए कहूँ। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, मतलब इसके लिए मैं नहीं अन्य लोग दोषी हैं। बर्स्टिंग इंटू टीयर्स ही वेंट आउट एंड रिटर्न्ड विथ ए कप ऑफ पॉइजन। वह फूट फूट कर, बस्टिंग मतलब फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया और जहर का प्याला लेकर के आया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सुकरात। सुकरात ने कहा कि देवतागण इस संसार से दूसरे संसार तक मेरी यात्रा को सफल बनावे। आई लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, मतलब अपने होठों से जहर के प्याले को लगा लिया। हिज पुपिल्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया। बट वन सॉब्ड अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स एंड सून, किंतु एक व्यक्ति ने जोर से सिसकियां ली, सॉब्ड मतलब सिसकियां ली, और इससे दूसरे व्यक्ति भी डिस्ट्रेस मतलब दुखी हो गए।
एंड सून और शीघ्र ही द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग। शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज से भर गया। सुकरात पास्ड विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स। सुकरात अपने हाथों में जहर के अधूरे प्याले को लेकर के रुक गया। व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, यह विचित्र प्रकार की आवाज क्या है? ही आस्क्ड, उसने कहा, आई हैव हियर दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि एक व्यक्ति को शांति पूर्वक मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें अवश्य नहीं चिल्लाना चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य रखो। पेशेंस मतलब धैर्य। ही लुक्ड अराउंड, वह अपने चारों तरफ देखा। रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्राइटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, वह अपने शिष्यों में से एक को विस्पर मतलब धीरे से बुलाते हुए कहा। क्राइटो, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मुझ पर एक कृपा कर सकते हो? आई ओ ए कॉक टू एकुलापियस, मुझे एकुलापियस को एक मुर्गा चढ़ाना है। विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? इट शैल बी पेड, सेड क्राइटो, क्राइटो ने कहा कि तुम्हारा ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग इल्स, क्या कुछ और कहना है? ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फॉर मतलब क्योंकि। सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डीड, यानी कि यूनानियों का सबसे महान व्यक्ति सुकरात हमेशा के लिए मर चुका था।